आज 42,716 पे जो लेवल हमने आपको बताया था, इंडेक्स ने आज इसको क्रॉस किया है। ऊपर जो वीक नजर आ रही है आपको, इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन ने प्रॉफिट टेकिंग की है और उसके वजह से इंडेक्स जो है वो काफी नीचे क्लोज हुआ। अगर हाई देखें इंडेक्स का, तो 42,983 का एक हाई लगाया था इंडेक्स ने, लेकिन साथ साथ इंस्टीट्यूशन की प्रॉफिट टेकिंग की वजह से आपने देखा कि इंडेक्स में डिस्काउंटिंग आई। अब अगर आप देखें तो नीचे से दोनों बुलिश क्रॉस जनरेट हो रहे हैं। रेड लाइन भी ब्लैक को क्रॉस कर रही है, ब्लू लाइन जो है वो पहले ब्लैक को क्रॉस कर चुकी है। वॉल्यूम पे फोकस करें तो वॉल्यूम पहले से काफी ज्यादा है। यहाँ आप देखें कि जो मार्केट ने रैली बनाई है, जिसमें हमने कहा था कि मार्केट का एक रिवर्सल नजर आ रहा है, वो कंटिन्यूस रैली है और उसमें जो रेड कैंडल बनती है उसको इंस्टीट्यूशन बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। आपने भी इसको, जो भी डिप होगी उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हुए जो है वो डिप पे चीजों को बाय करना है, और जो पहले आपकी होल्डिंग्स है उनको आपने इंटेक्ट करना है। इंडेक्स के पास इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस थी, वो आज उसने रिस्पेक्ट की, उससे नीचे वो डिस्काउंट हुआ। जब ये इंडेक्स ये लेवल क्रॉस करेगा, तकरीबन 43,500 के करीब का लेवल है ये लेवल, 43,400, 43,500, ये इंडेक्स के पास एक क्रूशल लेवल है, जिसके पास जाके इंडेक्स वापस 400 से 500 पॉइंट की डिस्काउंटिंग कर सकता है। वहां भी आपने अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और जो डिप आपको मिलेगी वो डिप आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी है। आज सारा दिन मार्केट के अंदर अच्छी एक्टिविटी देखने में आई, अच्छा वॉल्यूम मार्केट ने दिया। देखते हैं कि आज के जो टॉप कंट्रीब्यूटर हैं वो कौन से हैं। आज के जो टॉप कंट्रीब्यूटर हैं उनमें सबसे सरफरिस्त हाबको, कल हमने स्क्रिप्ट एनालिसिस में बताया था हाबको के बारे में। बैंक अल हबीब, एमसीबी, हाबको ने 49 पॉइंट, बैंक अल हबीब जो है उसने 29 पॉइंट, एमसीबी ने 27 पॉइंट, सिस्टम जो है उसने 19 पॉइंट, पीएसओ 16 पॉइंट, केल 13 पॉइंट, कैपको 12 पॉइंट, निजान बैंक 11 पॉइंट, सिनर्जी 8 पॉइंट, एंग्रो 8 पॉइंट, एपीएल 7 पॉइंट, हाई नून 6 पॉइंट, पेल 6 पॉइंट, लकी सीमेंट 6 पॉइंट, ईफर्ट 6 पॉइंट, ये सब आज ग्रीन जोन में रहे। नेगेटिविटी की बात करें तो एचबीएल ने 26 पॉइंट माइनस किए, एफएफसी 16 पॉइंट, कोल ने 11 पॉइंट, पीपीएल ने 7, एबर्ट 6, आईसीआई 4, एआईसीएल 4, यूनिटी ने 3 पॉइंट माइनस किए, चिराट सीमेंट 2 पॉइंट, नेशनल बैंक ने 2 पॉइंट, जेबीटीसी 1 पॉइंट, और आगे भी जो बाकी स्क्रिप्ट है एक एक डेढ़ डेढ़ पॉइंट उन्होंने माइनस किया। आज किस इंस्टीट्यूशन ने प्रॉफिट टेकिंग की और किसने बाइंग की, देखते हैं आज का बाइंग सेलिंग चार्ट। ये आपके सामने आज का बाइंग सेलिंग चार्ट है, इसमें देखें बैंक्स ने आज प्रॉफिट टेकिंग की है, 1.28 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग आई। ब्रोकर्स ने आज बाइंग की 0.51 मिलियन डॉलर, कंपनीज ने बाइंग की 0.51 मिलियन डॉलर, फर्म कॉर्पोरेट एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से 1.10 मिलियन डॉलर की सेलिंग, फॉरन इंडिविजुअल 0.04 मिलियन डॉलर की सेलिंग, हमारे इंडिविजुअल ने बाइंग की 1.97। यहां मैं आपसे कहूंगा कि आप देखें ब्रोकर हमारा इंडिविजुअल, और नीचे देखें म्यूचुअल फंड 0.99 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। तीनों इंस्टीट्यूशन जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड इंस्टीट्यूशन है, और तीनों की जो बाइंग है वो मार्केट को सपोर्ट भी दे रही है और मार्केट को लो जोन से निकाल भी रही है। तो जब तक ये इंस्टीट्यूशन या इनमें से दो इंस्टीट्यूशन मुसलसल बाइंग पे है, आप भी जो है वो बाइंग कर सकते हैं और अपसाइड पे इनकी तरह प्रॉफिट टेकिंग किया करें। जैसे ही मार्केट में डिप नजर आए वहां आप दोबारा अपनी क्वांटिटी को इंटेक्ट कर लिया करें। सेलिंग की बात करें तो इंश्योरेंस ने आई 2.35 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, एनबीएफसी ने 0.15 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.85 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, और ओवरसीज भी 0.08 मिलियन डॉलर के साथ बाइंग पे मौजूद है। आज के जो टॉप बायर्स हैं उनमें इंडिविजुअल है, ब्रोकर है, म्यूचुअल फंड्स हैं। हम इनका पोर्टफोलियो देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या इन्होंने बाय सेल किया। ये ब्रोकर का पोर्टफोलियो है, इसमें ऑल अदर सेक्टर में 0.15 मिलियन डॉलर की बाइंग, सीमेंट सेक्टर 0.13 मिलियन डॉलर, कमर्शियल बैंक 0.15 मिलियन डॉलर, नीचे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 0.11 मिलियन डॉलर की बाइंग। और सेलिंग की अगर बात करें तो इन्होंने फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में 0.21 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, और कुछ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की सेलिंग है 0.05 मिलियन डॉलर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें ऑल अदर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स में इनकी जो है वो मेन बाइंग है। ये इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो है, ऑल अदर सेक्टर में इन्होंने 0.68 मिलियन डॉलर की बाइंग की, उसके बाद इनकी जो बाइंग है वो है
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 0.59 मिलियन डॉलर्स की, और उसके बाद इनकी जो माइंग है कमर्शियल बैंक्स में है 0.34 मिलियन डॉलर। तो जो ब्रोकर्स हैं उनकी बाइंग भी ऑल अदर सेक्टर कमर्शियल बैंक्स और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में है, इंडिविजुअल्स की भी है। तो कल ये सेक्टर जो है वो अपसाइड की एक रैली दिखा सकते हैं। आप इन सेक्टर के जो मेन सीक्रेट्स हैं उनमें एंट्री इंट्राडे के लिए ले सकते हैं। ब्रोकर्स और इंडिविजुअल के साथ साथ म्यूचुअल फंड भी बाइंग पे हैं। ऑल अदर सेक्टर में इनकी बाइंग 0.25 मिलियन डॉलर, उसके बाद फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग है 0.42 मिलियन डॉलर, और इसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 0.49। तो आप देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में तीनों अग्रेसिव प्लेयर जो है वो अपने खास क्वांटिटी के साथ बाइंग कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी जो है वो आपको अच्छा इंट्राडे करवा सकते हैं। अगर आप किसी के पास पहले से होल्डिंग है तो वो इसको ग्रीन जोन में होल्ड कर सकता है, जैसे ही वो रेड जोन में डिस्काउंट होने के लिए आए वहां आप भी इन सिक्योरिटीज में प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जी तो दोस्तों ये था मार्केट का व्यू, इसको हम शॉर्ट टाइम के लिए जो थोड़ा सा क्लोज किया जाते हैं, जो एंड पे जो रेड दो कैंडल एक डोजी कैंडल बनी है इसमें भी जो है वो बाइंग आई है काफी, और जो दो डोजी कैंडल बेरिश क्रॉस के साथ बनी है इन्होंने जो वॉल्यूम बार एक जैसी बनाई है। आप देख सकते हैं कि एंड पे थोड़ा सा इंडेक्स के अंदर प्रेशर हमने देखा, तो ये प्रेशर जो है ना ये कल के जो सेशन है उसमें प्रॉफिट टेकिंग शो कर सकता है। इसलिए इंडेक्स जब कल डिप दे और नीचे किसी महसूस लेवल से जो है वो सपोर्ट ले, तो आपने क्या करना है कि डिप के अंदर जैसे ही आपका जो स्क्रिप्ट आपने अपसाइड पे सेल किया है वो नीचे डिप पे आए तो दोबारा क्वालिटी उसकी ले ले, यानी बाय बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी और सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटेजी जो है ये आपने आजकल मार्केट के अंदर अडॉप्ट करनी है। बाकी अपनी बाइंग सेलिंग अपने टेक्निकल फंडामेंटल को देख के प्लान कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।